हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे एनवायरमेंटल साइंस में इकोलॉजिकल सक्सेशन, जो हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट है। पहले हमने बात करी थी इको एनर्जी फूड चेन की बात करी थी हमने, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहले हमने डिस्कस किया था फूड चेन के बारे में इकोसिस्टम में, फिर हमने बात करी थी फूड वेव की, ठीक है। ये सारे पार्ट थे किसके, एनर्जी फ्लो सिस्टम के। आज हम बात करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन, जो कि एक न्यू टॉपिक है किसका, इकोसिस्टम चैप्टर का। तो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरमेंटल साइंस में। स्टूडेंट, एनवायरमेंटल साइंस का जो भी आपका ये सब्जेक्ट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट भी हो सकता है और है भी, अगर आप इसको इस प्रोग्राम के साथ साथ इसको इस तरीके से पढ़ें कि भी आने वाले टाइम में ये हर तरीके से आपके लिए क्या है, यूज़फुल है। आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे, एनवायरनमेंट का पोर्शन हर एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो आपको ये सारी नॉलेज, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो मेरी आपसे, आप लोगों से एक ये रिक्वेस्ट है कि इस सब्जेक्ट को इस तरीके से ना पढ़ें कि भाई ये हमारे अपने कोर्स में है, बस हमें पढ़ना है, मार्क्स अच्छे लाने हैं और छोड़ देना है। नहीं, क्योंकि आने वाले टाइम में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस पेपर से आप बहुत अच्छे से कवर अप कर सकते हो। साथ के साथ अगर हम एक अपने हैंड पे कोई इनिशिएट लेना चाहें, ठीक है, कि भाई मैं अपने एनवायरनमेंट से अवेयर होना चाहता हूँ और साथ के साथ कुछ प्रिवेंटिव स्टेप भी लेना चाहता हूँ ताकि एनवायरनमेंट को कोई प्रोटेक्ट कर सकूँ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इम्पॉर्टेंट है ही है। क्योंकि हम कहाँ रह रहे हैं, हमारे चारों तरफ भी तो एक एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, तो हमें पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को पल्यूट करते हैं। तो वो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। वैसे तो गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे प्रिवेंटिव एक्शंस लिए हैं, बहुत सारी कमिटीज़ बनाई हैं, बहुत सारे सेमिनार अरेंज किए गए हैं ताकि लोगों को अवेयर करें, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें कवर अप करने के लिए, और इसीलिए इस सब्जेक्ट को आपके एजुकेशन का पार्ट बनाया गया ताकि हम अवेयर रहें आने वाली प्रॉब्लम से, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, जो स्टार्ट कर लेते हैं। इन एरिया वन कम्युनिटी मे बी रिप्लेस्ड बाय अनदर कम्युनिटी और बाय सीरीज ऑफ कम्युनिटीज, दिस द प्रोग्रेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी बाय अनदर टिल द डेवलपमेंट ऑफ स्टेबल कम्युनिटी इन अ पर्टिकुलर एरिया कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे प्रॉपरली डिफाइन किया गया है कि भाई इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है, इन द एरिया वन कम्युनिटी। अब मैंने आपको पहले बताया था कि कम्युनिटी क्या है, ठीक है, तो एक बार मैं बता देता हूँ कम्युनिटी के बारे में। इट इज़ द ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल्स लिविंग इन एन एरिया, किसी भी एक एरिया में जो ग्रुप, यानी कि जो प्लांट्स हैं, जैसे कि एक ये एरिया है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिटी बोलेंगे। भाई यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, तो ये क्या है, कम्युनिटी है। यहाँ पे एक तरीके की नहीं, बहुत सारे प्लांट्स क्या हैं, ग्रो हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ लिविंग बींग्स की, कि भाई एक ये स्पेसिफिक एरिया, यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप्स के क्या है, ऑर्गेनिज्म क्या हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, या फिर एक तरीके से बात करें, ठीक है, तो ये एरिया क्या है, कम्युनिटी है। अब यहाँ पे रेप्टाइल्स भी हैं, इंसेक्ट भी हैं, ठीक है, यानी कि डिफरेंट कम्युनिटीज क्या है, यहाँ पे इस एरिया को बिलोंग करती हैं, तो इसको स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। इट इज़ द ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल्स लिविंग इन अ एरिया, ठीक है, तो कोई भी एक ग्रुप जो भी एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहा है, तो उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन। यहाँ पे हम बात करें, इन द एरिया वन कम्युनिटी मे बी रिप्लेस्ड, एक कम्युनिटी को रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा, दूसरी कम्युनिटी के, बाय अनदर कम्युनिटी और बाय सीरीज ऑफ कम्युनिटीज, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। जहाँ हमने बात करी कि भाई एक कम्युनिटी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे, अब कम्युनिटी में सिंगल स्पेसीज भी हो सकती हैं, जैसे सपोज खाली हम यहाँ पे रेप्टाइल्स की ही बात करें बस, तो वो भी क्या है, कम्युनिटी है एक, ठीक है। वैसे तो इसको हम इस सिंगल स्पेशीज को ही, जो हमने बात करी थी, उसको कम्युनिटी बोलते हैं। तो अगर हम किसी एरिया में
कोई भी कम्युनिटी ग्रो हो रही है उसको दूसरी कम्युनिटी से रिप्लेस कर दें या हो जाए तो उसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। इन एरिया वन कम्युनिटी मे बी रिप्लेस बाय अनदर कम्युनिटी और बाय सीरीज ऑफ कम्युनिटी द प्रोग्रेसिव रिप्लेसमेंट, यानी कि जो भी प्रोग्रेस वहाँ पे हुई, ठीक है, बाय वन कम्युनिटी बाय ऑफ वन कम्युनिटी बाय अनदर टिल द डेवलपमेंट ऑफ स्टेबल कम्युनिटी इन पर्टिकुलर एरिया कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम स्टेजेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। पायोनियर कम्युनिटी, फर्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच एस्टेब्लिश देयर कम्युनिटी इन द एरिया इज कॉल्ड पायोनियर कम्युनिटी। तो पायोनियर कम्युनिटी क्या है? फर्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच एस्टेब्लिश देयर कम्युनिटी इन एरिया, ठीक है, एक एरिया में क्या है, जैसे सपोज कोई स्टार्टिंग में कोई भी कम्युनिटी ग्रो हुई तो उसको हम क्या बोलते हैं, पायोनियर कम्युनिटी बोलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन की गई है, फर्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच एस्टेब्लिश देयर कम्युनिटी इन द एरिया, ठीक है, इज कॉल्ड पायोनियर कम्युनिटी। सेकेंड हम बात कर रहे हैं सीरियल स्टेज, द वेरियस डेवलपमेंट ऑफ स्टेजेस ऑफ कम्युनिटी इज कॉल्ड सीरीज, ठीक है, यानी कि बहुत सारे स्टेजेस ऑफ कम्युनिटी उसको हम सीरीज बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाइए, कम्युनिटी जैसा कि अभी हमने डिस्कस कर ही लिया, कम्युनिटी क्या है, इट इज द ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल्स लिव इन एन एरिया, ठीक है। टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन पे आ जाइए, प्राइमरी सक्सेशन और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, सेकेंडरी सक्सेशन की। तो प्राइमरी सक्सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुअल एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि धीरे धीरे एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है किसका, बायोटिक कम्युनिटीज का ऑन लाइफलेस ग्राउंड, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट फ्रॉम वाटरी एरिया, जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्राइमरी सक्सेशन, जिसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, हाइड्राश की। तो ये क्या होते हैं, पानी, पानी जो होते हैं वाटरी एरिया होते हैं वहाँ पे एस्टेब्लिश होते हैं। धीरे धीरे इन लोगों की ये जो कम्युनिटी है इनकी क्या होती है, ग्रोथ होनी हो जाती शुरू हो जाती है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, प्राइमरी सक्सेशन रिफर्स टू ग्रेजुअल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज ऑन लाइफलेस ग्राउंड। एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट फ्रॉम वाटरी एरिया लाइक पॉन्ड, लेक, ठीक है, जैसे हाइड्राश बोलते हैं। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट इन ड्राई एरिया, उसको हम रॉक बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, प्राइमरी सक्सेशन है स्टूडेंट्स, यानी कि प्राइमरी सक्सेशन में कौन आते हैं, जो ग्रेजुअली एस्टेब्लिश हो रहे हैं किसमें, वाटरी एरिया में या फिर ड्राई एरिया में, जो भी कम्युनिटीज ग्रो हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं, तो उसको यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उनकी किसमें, प्राइमरी सक्सेशन में। सेकेंडरी सक्सेशन में हम बात कर रहे हैं, इट इन्वॉल्व्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज इन इन एरिया वेयर सम टाइप ऑफ बायोटिक कम्युनिटी ऑलरेडी प्रेजेंट, ठीक है। यानी कि जो सेकेंडरी कम्युनिटीज हैं, सक्सेशन है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जैसे कि ये एरिया है, ठीक है, अब इस एरिया में क्या है, इन इन्वॉल्व एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोटिक कम्युनिटी इन एरिया जहाँ पहले से ही कोई कम्युनिटी ग्रो है, ऑर्गेनिज्म पहले से ही है और उसी के साथ कुछ नए भी वहाँ पे, यहाँ पे क्या है, ग्रो हो गए ऑर्गेनिज्म, तो इसको हम सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ पे प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में हमने दो एरिया लिए हैं, जैसे कि एक तो है वाटरी यानी कि वाटर एरिया और दूसरा है ड्राई यानी कि लैंड, ठीक है। तो आपने देखा होगा पानी में भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं और जो ड्राई एरिया है वहाँ पे भी आपको देखा होगा ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं। तो यानी कि जो फर्स्ट टाइम इस एरिया में जो डेवलप हुए वो हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है। सेकेंडरी सक्सेशन में हम बात कर रहे हैं ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पे कोई कम्युनिटी है और उसके साथ कोई नई कम्युनिटी भी क्या है, डेवलप हो रही है, तो उसको हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसमें, सेकेंडरी सक्सेशन में, ठीक है। तो आज हमने सिंपली पहले डिस्कस किया है इकोलॉजी सक्सेशन को होता क्या है, इसी टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में और हम कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको और ये टॉपिक क्लियर हो जाए कि है क्या इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, इन अ एरिया, जैसे कि भाई कोई भी एक एरिया है उस एरिया में एक कम्युनिटी के से दूसरी कम्युनिटी को रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है, या फिर वो रिप्लेस हो गई बाय नेचुरली, तो वो हम यहाँ बोल रहे हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो वही चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट प्रॉपरली मेंशन भी करी गई है, जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँ, इन एरिया वन कम्युनिटी मे बी रिप्लेस बाय अनदर कम्युनिटी और बाय सीरीज ऑफ कम्युनिटी, ठीक है भाई, एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है,
द प्रोग्रेसिव रिप्लेसमेंट, जो भी ये प्रोग्रेसिव रिप्लेसमेंट हुआ ऑफ वन कम्युनिटी बाय अनदर टिल द डेवलपमेंट ऑफ स्टेबल कम्युनिटी इन पर्टिकुलर एरिया कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें अपने एटमॉस्फेयर की, तो आपने देखा होगा जो लैंड टेरेस्ट्रियल हमने बात करी थी, वहाँ पे भी बहुत सारी स्पीशीज होती हैं। अगर हम बात करें वाटरी एरिया की, जैसे कि हम मैरीन की बात करें, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारी स्पीशीज मिल जाएंगी बायोटिक कॉम्पोनेंट्स की, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें क्या हैं, हमारे जो इकोसिस्टम है उसी का पार्ट है, ठीक है। भी कैसे अलग अलग एरियाज होते हैं और उन अलग अलग एरिया के हिसाब से ऑर्गेनिज्म या फिर जो कम्युनिटी है वो या फिर स्पेशीज जो हैं किसी भी बात करें वो सब डेवलप होती हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि इसमें इकोलॉजिकल सक्सेशन में। तो ये क्या है, एरिया वाइज एरिया वेरी करती हैं। अब आपने देखा होगा कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ साल भर बारिश होती रहती है, कुछ एरिया स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जहाँ पूरे साल बारिश नहीं होती, और कुछ एरिया ऐसे भी होते हैं जहाँ बारिश भी होती है और थोड़ा सूखा भी रहता है, ठीक है। यानी कि कभी बारिश हो गई, कभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा सन मतलब कि धूप वाला धूप भी है, इस तरीके से अलग अलग कंडीशंस हैं। तो यानी कि अगर हम बात करें सिंपली कि वे जो वेदर की जो अलग अलग कंडीशन होती हैं उसका इफेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर और हमारे जो इकोसिस्टम है उस पर भी पड़ता है, ठीक है। और उसी के हिसाब से फिर क्या है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ क्या होती हैं, रिप्रोड्यूस होती हैं। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसमें, इकोलॉजिकल सक्सेशन में। और फिर उसके बाद जो उनका रिप्लेसमेंट होता है वो मेनली हम कंसीडर कर रहे हैं हमारे इस टॉपिक में, जो कि क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, होप सो आज का टॉपिक आपको समझ में आया हो। और इसी टॉपिक को और मैं ब्रीफ और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच आज के टॉपिक के लिए, ठीक है। तो आज हमने कवर अप कर लिया कुछ इकोलॉजिकल सक्सेशन की डेफिनेशन, डिफाइन स्टेजेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन और टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। स्टेजेस में हमने बात करी पायोनियर कम्युनिटी और सेल कम्युनिटी, और टाइप्स में हमने बात करी प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।